नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। चूँकि पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए हर तरीके के बचाव जारी है। उस बचाव को लागू करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग मुहिम जारी है। इस बीच नालासोपारा में हमारे साथ में उपस्थित है इसमें DS पाटिल जी, जो पुलिस निरीक्षक पद पर आश्रित हैं और किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। धारा 144 का कितना असर देखने को मिला और कल जनता कर्फ्यू था, उसका क्या असर रहा और अभी तक, चूँकि सुबह से लेकर अभी तक का जो माहौल रहा दिन भर का, उसका कैसा माहौल को हैंडल कर पा रहे हैं और लोग कितना सहकार कर रहे हैं, उसके विषय में बात करते हैं डॉक्टर सीधे DS पाटिल से। सबसे पहले आपको नमस्कार और जय हिंद सर। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को सल्यूट कि आज दिन भर आपको अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले सर, कैसा लग रहा है, क्या लोग सहकारिता कर रहे हैं धारा 144 का? थोड़ा दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि जिस तरह से, मतलब हमारी उम्मीद थी सेक्शन 144 जिस तरह से, जिस इरादे से लगाया गया था, उसका मतलब ये था कि कोरोना से लोगों को दूर रखने के लिए ये एक स्टेप है जो कारगर स्टेप साबित हो सकती है। लोग अपने घर में बने रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं, सामाजिक दूरियां पैदा करके अगर रहेंगे घर में तो ये कड़ी टूट जाएगी, संक्रमण बच जाएगा। आगे चलकर जो प्रचार और प्रसार कोरोना का है उसके ऊपर पाबंदी आ जाएगी, रोक आ जाएगी। कल तो हमारे लिए बहुत अच्छा था, मतलब सब लोगों ने बहुत अच्छा कॉपरेट कर दिया प्रधानमंत्री साहब का आह्वान के हिसाब से। लेकिन जब मतलब आज की बात आती है तो ऐसा थोड़ा सा लग रहा है मेरे को कि लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया है। एक्चुअली सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों तक अभी तक जो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है या तो जो गंभीर था इसकी, वो उनके तक पहुँची नहीं है या तो फिर वो ओवर डेरिंग कर रहे हैं जो कि उनके लिए घातक है। नहीं, अभी सुबह के समय मैंने देखा कि कई बार बातें कहने के बाद लोग नहीं मान रहे हैं, कई बार लाठीचार्ज भी करना पड़ रहा है, अलग तरीके से समझाना पड़ रहा है, उसके बाद भी लोग और इस गंभीरता को पूरी तरह प्रचार प्रसार, आपने कुछ दिन पहले सड़क पर अनाउंसमेंट किया है जाके हर गली गली हर चौराहे पर जाकर, उसके बाद में असर, तो आप क्या आगे स्टेप उठाने वाले और किस तरीके से? पहली बात तो ऐसी है कि ये धारा जो लगाई गई 144, वो किसी लॉ एंड ऑर्डर के चलते हुए नहीं लगाई गई है। जस्ट पब्लिक के हित में लोग इकट्ठा न आ जाए, पास से ज़्यादा लोग एक जगह पे न आ जाए, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और वो प्रयोग इस तरह से किया जाए, जिस तरह से बोलते हैं कि किसी का लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं, लेकिन एक कोरोना नाम के एक बोलते हैं कि एक विषाणु से लड़ने के लिए इसका प्रयोग करने का हमारा इरादा था। और उसके लिए हमको दिक्कत जरूर आ रही है, हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह पर हम नाकाबंदी कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर खड़े होकर लोगों को बता रहे हैं, मैं खुद पब्लिक में जाके अनाउंस कर रहा हूँ, लोगों को थोड़ा सा जागरूक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको इसमें एक संदेश मेरे को बहुत देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो अच्छा नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं है, जनता के लिए अच्छा नहीं है। एक परिवार का एक आदमी अगर अनसेफली बाहर जाता है, अगर संक्रमित होकर घर में आ जाता है तो पूरा परिवार उससे बाधित हो सकता है। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा पब्लिक को, आपके मीडिया के जरिए, कि आपके घर में बने रहो, जरा भी मतलब रस्ते पर आओ मत। सबसे बड़ी बात ऐसी है कि मेरा एक आह्वान रहेगा कि जब हम आपके लिए रस्ते पर है तो कम से कम आप खुद के लिए और देश के लिए अपने अपने घर में बने रहे। बहुत अच्छी, धन्यवाद। लगभग ये थे DS पाटिल जी और इनका निवेदन एक दिल को छू जाने वाला भी है। एक पुलिस निरीक्षक आप सभी से निवेदन कर रहा है कि आप अपनी रक्षा करें, सुरक्षा करें। आप अगर समाज में इस तरह से निकलेंगे और आप ही समाज से या कहीं से भी वो अगर विषाणु आपके पास चले गए और आप जाके घर में बैठे तो परिवार पूरा उस विषाणु के चपेट में आ सकता है। निरीक्षक जी का कहना आपके लिए है, आज ये सड़क पर हैं आपके लिए और आज पूरे भारत की पुलिस आपके लिए सड़क पर है ताकि आप महफूज रह सकें। इनकी इज्जत करें, इनका सम्मान करो, इनके आह्वान का सम्मान करते हुए घरों पर बने रहे, बिना किसी मजबूरी के या बहुत महत्वपूर्ण काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों पर आएँ और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, ये देश को सुरक्षित रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।